हाय, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, आरती के किचन में स्वागत है। आज हम लोग आसान तरीके से घी बनाएंगे। देखिए, ये मेरे पास 10 दिनों से मलाई रखी हुई है। आज हम लोग इसके घी बनाएंगे। ये मिक्सी का जार है, जूसर वाला है। एक्चुअली बाकी जो मिक्सी है वो मेरी छोटी है, तो मैं इसमें ही मलाई डाल देती हूँ। देखिए, इसमें ही सारा मलाई हम डाल देंगे। ये देखिए, मलाई हमने डाल ली पूरी। अब इसमें हम फ्रिज से ठंडा पानी डाल देंगे। फ्रिज से ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें गर्मियों में ठंडा डालिए और सर्दियों में थोड़ा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का आप पानी डाल सकते हैं, पर गर्मियों में हमको ठंडा ही पानी चाहिए इसको बनाने के लिए घी का। ये देखिए, हमने पूरा इसमें पानी डाल दिया है। ये फुल है, जार बड़ा है काफ़ी, तो इसमें बंद कर दिया है हमने अच्छे तरीके से। आइए इसको हम मिक्सी कर देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन आया है हमारा। ये देखिए कितना बहुत अच्छा मक्खन आया है ये हमारा। मेरा 10 दिनों में 250 ग्राम घी निकल आता है। ये देखिए कितना अच्छा से मक्खन आया। आप लोग देखिए, ऐसे ही आसान तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से घी बना सकते हो, घर में यूज़ करने के लिए सबको दे सकते हो, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है घर की घी। बच्चों के लिए तो बुजुर्ग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब में मिलावट होती है। ये देखिए कितना अच्छा सा पूरा मक्खन आया है हमारा। इसको हमने निकाल लिया है, तो पूरी तरीके से निकाल लेंगे हम। ये पूरा मक्खन निकालेंगे, सारा मक्खन निकाल लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा और घर का शुद्ध घी मिलता है हम लोगों को। अगर आप ऐसे आसान तरीके से 8 से 10 दिन, 15 दिन भी आप मलाई फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद भी निकाल सकते हैं, तो आसानी से आपका 250 ग्राम घी निकल जाएगा। आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा पूरा घी। देखिए, हमने इसे सारा निकाल लिया है, पानी ही रह गया है सिर्फ, जो पानी डाला था हमने। ये हमने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है इसे गर्म करने के लिए। इसको लो फ्लेम पे रखेंगे, गैस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए, ये हमने डाल दिया है इसमें मलाई। इसको थोड़ा सा तेज करके हम इसे पहले एक उबाल तक आने के लिए थोड़ा गैस तेज कर देंगे। इतना निकल चुका है हमारा, इसमें हम डाल देते हैं। पूरा अच्छी तरीके से डाल दिया है हमने इसमें। देखिए मक्खन कितना साफ और कितना निकला हुआ है। आराम से आप हफ्ते में 15 दिन में 250 ग्राम घी निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा गैस को थोड़ा सा तेज कर लेंगे, जिससे इसमें उबाल आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहा है, तो इसमें आपकी गैस भी बचत होगी और गैस ज़्यादा नहीं लगती है। देखिए उबाल आ चुका है, अब इसे हम मिला लेंगे तो नीचे चिपके ना, जिससे क्योंकि लग जाती है ना नीचे। ये देखिए अच्छे से हमने इसे कर लिया है, बहुत अच्छे से। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में आपका ये पक जाता है घी। ये देखिए उबाल आ चुका है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे इसमें घी निकलना स्टार्ट होगा, अभी उबाल आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए धीरे धीरे से बिल्कुल लो कर दिया हमने फ्लेम। ये देखिए हमारा घी निकल के तैयार निकल गया है पूरा अच्छी तरीके से। आइए इसको छान लेते हैं हम लोग। ये देखिए, हमने इसे छान लिया है पूरा 250 ग्राम लगभग। अब इसे बड़ी छन्नी लेके, कटोरी लेके छान लेते हैं। छान लीजिएगा, ये देखिए कितना घी निकल गया, 250 ग्राम से ऊपर ही घी निकला है हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ मेरे चैनल को। अब मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँगी।